दोस्तों अपनी पावर बैंक के बारे में सुना ही होगा कि आप जानना चाहते हैं कि पावर बैंक होता क्या है और ये आपके स्मार्टफोन को कैसे चार्ज करता है, तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत बात, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पावर बैंक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि पावर बैंक क्या होते हैं। पावर बैंक एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। अब बात करें पावर बैंक से आप अपने स्मार्टफोन को कितनी बार चार्ज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पावर बैंक की बैटरी पर। यानी कि अगर आपका पावर बैंक कुछ ज्यादा एमएच का है तो आप कोई स्मार्टफोन ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, मगर उसके लिए डिपेंड होना चाहिए आपके स्मार्टफोन की बैटरी कितनी है। अगर मान लो आपके स्मार्टफोन की बैटरी 5000 एमएच है और पावर बैंक की बैटरी 20000 एमएच है, तो आप अपने जो पावर बैंक से स्मार्टफोन आप 4 बार चार्ज कर सकते हैं। अगर जितना ज्यादा एमएच का पावर बैंक होगा उतनी ज्यादा बार आप अपने स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। मैं कई लोगों का मानना है कि ज्यादा एमएच मतलब ज्यादा पावर, यानी कि आपका स्मार्टफोन उतनी पावर को ले नहीं सकता, यानी स्मार्टफोन खराब हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। एमएच का मतलब है आप इतनी बार अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि वो पावर बैंक में इतनी कैपेसिटी है कि आपके स्मार्टफोन को इतनी बार चार्ज कर सकता है, यानी इतनी एमएच को चार्ज कर सकता है, ये एमएच का मतलब है। मैं बात करेंगे आपके स्मार्टफोन के पावर बैंक से फास्ट चार्जिंग या फिर स्लो चार्जिंग में कैसे काम करता है। मान लो अगर आपका पावर बैंक 5 एम्पीयर, आपका पावर बैंक 5 वोल्ट और साथ ही साथ वो 1 एम्पीयर का है, तो आपके स्मार्टफोन में स्लो चार्जिंग होगी। मगर आपका पावर बैंक 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का है, साथ ही साथ उसमें 2 एम्पीयर या फिर 3 एम्पीयर, तो आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। अब बात करें कि ये पावर बैंक काम कैसे करता है। आपको पावर बैंक को अपने घर पर चार्ज करना होता है, यानी कि जैसे आप स्मार्टफोन चार्ज करते हैं वैसे आपको पावर बैंक भी रिचार्ज करना होता है। अगर आप अपने पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो ही वो आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएगा, क्योंकि पावर बैंक की जो बैटरी है वो रिचार्जेबल होती है। यानी अगर आपने अपने स्मार्टफोन को चार्ज किया पावर बैंक से, तो आपको अगर वो पावर बैंक है वो भी उसके साथ डिस होता है, इसलिए आपको उसे फिर से चार्ज करना होता है। ये होता है पावर बैंक। जो मैं आपको पता चल चुका होगा पावर बैंक क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू नेक्स्ट वन।